तीनों इलेक्शंस राज्यों में जो किए गए हैं वह डाटा प्रॉपर नहीं है। टोटल जो वोट आपने टोटलिटीज वोट दिखाया है वो सारे के सारे गलत है। यदि इस तरह से आप करोगे इस देश में, फिर तो आप किसी को भी सत्ता दे सकते हो। ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनका टोटल वोट्स का जो डिफरेंसेस है वो पूरा गलत है। जो टोटल लीड्स है, जो टोटल सर्टिफिकेट 199 सीटों में बांटे गए, वो सारे के सारे गलत है। कि मैंने बड़ी बड़ी सरकारें बनी हैं और बिगाड़ते हुए भी देखा है, ध्यान रखना। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र मिश्रा आप लोगों के सामने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पोर्टल का डेटा था उसको लेकर के मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी दिया हूँ, और उसके साथ में मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में भी उस डेटा को मैंने प्रोड्यूस कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो मैंने डेटा दिया था 16 जनवरी का है। आप लोगों के माध्यम से मैं इसको दिखाना भी चाह रहा हूँ, आप लोग देख भी सकते हैं। भाजपा प्लस कांग्रेस प्लस अदर कैंडिडेटों की जोड़ना शुरू करता हूँ तो इसमें जो टोटल वोट आती है इनकी वो कितना है, इनकी टोटल वोट 3 करोड़ के आसपास में जा रही है, 3 करोड़ शायद 96,000 है। ठीक, ये भी डिफरेंसेस आ रहा है, यानी वहां पर 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, यहां पर 3 करोड़ के 3 करोड़ 96 यानी 4 करोड़, मतलब मोटा है मोटा इतना बड़ा डेटा का डिफरेंसेस कैसे हो गया, ये मेरा अगला प्रश्न ये राजस्थान को लेकर के है। तो इनका टोटल जो वोट है, टोटल जो मार्जिन है, जो टोटल डिफरेंसेस है, जो टोटल लीड्स है, जो टोटल सर्टिफिकेट 199 सीटों में बांटे गए वो सारे के सारे गलत हैं। यहाँ पर यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ या कांग्रेस की, इस चीज़ को सारे लोग समझें। मैं पूरी की पूरी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये हो गया इस तरह से राजस्थान की। सिमिलरली मैंने मध्य प्रदेश की डेटा के बारे में आप लोगों से बात नहीं किया था, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में मैंने आपसे बोला था उन्होंने 163 विधानसभा में बीजेपी जीती, 163 विधानसभा जो टोटल लीड्स बनती है बीजेपी की वह टोटल मिल रही है 43 लाख के आसपास में। और ऐसे ही कांग्रेस जीती 66 सीट्स में, वो भी जाहिर सी बात है किसी न किसी से, तो किसी न किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मार्जिन भी बताया है, डिफरेंसेस भी बताया है, टोटल वोट भी बताया है, सब कुछ, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ही हर जगह मुकाबला दिखाया है। तो यहाँ पर जो इनका कांग्रेस का आ रहा है वो आ रहा है 8,56,000 के आसपास। अब इन दोनों के बीच का जब डिफरेंसेस करते हैं लीड्स की, तो ये कितने के आसपास जा रही है, 34,50,000। ठीक, ये होगी लीड्स का। अब इनका जो टोटल 230 विधानसभा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के जो टोटल वोट्स था उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस इसके इक्वल होना चाहिए, पर वो इक्वल तो है नहीं इनका कुछ भी, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनका टोटल वोट्स का जो डिफरेंसेस है वो पूरा गलत है। जो इन्होंने 8% के हिसाब से बोला कि मध्य प्रदेश में 8% की वोट से बीजेपी लीड्स करती है, तो 8% की जो लीड है वो इनकी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रही है। इस आधार पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी मैंने एप्लीकेशन दिया कि ये पूरा डेटा पूरा का पूरा फ्लैक्चुएट है और ये फ्लैक्चुएशन डेटा को आप करेक्ट करिए, ठीक करिए। 16 तारीख को मैंने दिया है, 2 दिन हो गया उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस एप्लीकेशन की जो रिसीविंग कॉपी थी मैंने इंटरनल तरीके से अपने व्यक्तिगत तरीके से थ्रू जनरल रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं मैंने उनको कल दिया है कि आप इसको भी वेरीफाइड कर लीजिए। उन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर वगैरह हमें वो कल मिल जाएगा, जो भी होगा सो एंड सो आप लोग उसको फिर हम उसको पब्लिश भी कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें क्या एक्शंस लेती है वो भी आप लोगों को सुनने का है, पर यह है कि मैंने जो प्रेयर 5 की है वो ध्यान रखने की जरूरत है। तीनों इलेक्शंस राज्यों में जो किए गए हैं वह डेटा प्रॉपर नहीं है। आपका टोटल डेटा का मार्जिन, वोट का डिफरेंसेस, परसेंटेज, टोटल जो वोट आपने टोटलिटीज वोट दिखाया है वो सारे के सारे गलत है इस डेटा के आधार पर, और उन्हीं का डेटा है, ध्यान रखना है, और उन्हीं के डेटा को उन्हीं से मैंने पूछा भी है। मैंने अपना डेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्लासिफाइड कर दिया है अलग अलग तरीके लीड्स का बना, जैसे मध्य प्रदेश का हो गया इसको मैंने बड़े चार्ट में बना दिया। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर मैंने छत्तीसगढ़ का भी है इसके पीछे, यहाँ पर ऐसे ही इसी के जस्ट पीछे पर आप लोग देखेंगे राजस्थान का लगा हुआ है। सारे स्टेटों को मैंने प्रॉपर तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एक कॉपी इस प्रकार से दे दिया है और उनको मैंने समझाने की भी कोशिश किया है कि ये डिफरेंसेस नहीं है सही। ठीक, अब इसके साथ में तीनों राज्यों के चुनाव से संबंधित जो हमने याचिका पिटिशंस भी फाइल की थी, लेटर पिटिशन 3 दिसंबर को जब चुनाव हो रहा था तभी मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाके दिया था, आप सब लोगों के माध्यम से पूरे देश को पता है।
फिर जब सुमोटो की बात आई तो ये हुआ कि सुमोटो उसमें लिया जा सकता है, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हमारे स्टाफ से उन्होंने बोला। फिर उसके बाद बोला गया कि आप रीड पर आइए, हम रीड पर आए, रीड से हमारे मैटर में उसमें सुनवाई चल रही है, जिसमें से ईवीएम प्रिजर्व करने, वीवीपैट को प्रिजर्व करने और इसके साथ में जो उसमें बाइनरी कोड 0 और 1 बाइनरी कोड डाली जाती है उसको लेकर के, और इसके साथ ही साथ में जो अन्य चीजें भी ईवीएम से संबंधित लैब्स में कौन सी कोडिंग डाली गई है उसका भी चिप, उसके साथ में चिप भी है, उसके परीक्षण करने की भी नेक्स्ट पटिशन हमारी पेंडिंग पड़ी है कोर्ट में यह भी। और वो जैसे ही हमारे उसमें मैटर में डायरेक्शन हुआ था इमीडिएट हमने वो भी फाइल किया था। ये सारी चीजें हैं, इसके आधार पर जितने के सारे चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं पूरा ऑर्डर फॉर रिकॉल करने के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया है। साथ में 500 कुछ सीटें हैं सब मिला करके, टोटल मिला करके 519 सीटों का चुनाव हुआ है तीनों राज्यों का मिला करके। इनके जितने भी तीनों राज्यों में भाजपा हो या कांग्रेस, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये हमारा स्पेसिफिक मुद्दा किसी पार्टी को लेकर के नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि आगे आने वाली पीढ़ियां या जो भारत देश में जो जनरेशन है फ्री और फेयर इलेक्शंस की अनुभूति करें। वो जिसको वोट दे वो लगनी चाहिए कि वोट उसको मिला है, उसका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो पर्ची मिलती है वो पर्ची के लिए भी हम अगला रिक्वेस्ट करने वाले हैं ऑनरेबल जस्टिस से, क्योंकि कोई पर्ची लेकर के व्यक्ति कहीं वोट जा करके डाल सके, कहीं दिखा सके कि हमने वोट दिया है पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में डेटा बहुत कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये हर कोई मानता है, तो ये अगला हमारा यह भी कदम होगा। पर अभी सिर्फ और सिर्फ 519 जो विधानसभाओं का चुनाव हुआ है उनके सब के सब रिपोर्ट कार्ड मंगाए जाए और तत्काल स्टे लगाया जाए, और इसके साथ में तत्काल इन सारी चीज़ों को जो भी विधानसभा इलेक्शन कमीशन अपने डेटा से चेक कर ले, क्रॉस वेरीफाइड करके उनको कैंसिल करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो शब्द जिस तरह से उन्होंने यूज किया है, जिस तरह से उन्होंने डेटा दिया है, मैं उनको दे भी दिया हूँ, मैंने उनको चैलेंज भी नहीं किया, मैंने बोला आप इसको वेरीफाइड कर लीजिए, आप ही का डेटा है, जैसे आपसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती, मैं उनको दे दिया हूँ, मैंने समझाने की भी कोशिश किया है, आप खुद देख लीजिए, मैंने प्रॉपर 8-10 पन्ने का पिटीशन है वो, तो मैंने प्रॉपर समझाया है क्योंकि मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा प्रॉपर तरीका कैटेगराइज करके मैंने समझाया है। आपका गड़बड़ी है तो आप उसको बोलिए कि गड़बड़ हो गया है मुझसे, हम ऐसा ऐसा गड़बड़ियां हैं हमारे हमारे देश का संवैधानिक विषय है, हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए, आपको ले, मीडिया को ले, जनता को ले, 140 करोड़ की जनता को माफी मांगे कि हमसे गड़बड़ियां हुई हैं, तो ये सब उनका विषय है, क्योंकि इतने बड़े लेवल का चुनाव आप करा रहे हो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का चुनाव करा रहे हो, यदि इस तरह से आप करोगे इस देश में फिर तो आप किसी को भी सत्ता दे सकते हो और एक महीने बाद माफी मांग सकते हो, फिर ये कह सकते हो कि क्लर्कियल इधर हो गई, इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है, आपको लगता है आप सही है या फिर पॉलिटिकल पार्टियां इसमें पूरा अनजान है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। 3 दिसंबर को दिसंबर के दिन पर काउंटिंग हो रही है और सीधा हम सुप्रीम कोर्ट के मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों मिलने गए थे, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के पावर से बाहर थी चीज। अब अलग चीजें हैं कि सुनवाई में क्या होता है, क्या चीजें आती हैं, पर ये है इसके बाद तो हमारे देश की डेमोक्रेसी पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, इसीलिए तो मैंने बोला है आप लोगों के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी मैंने दे दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दे दिया जो मॉनिटरिंग करते हैं पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल, सबको मैंने दे दिया है। और आपके सामने तब तक मैंने नहीं बोला जब तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मैंने लेटर को पकड़ा नहीं दिया, मतलब थ्रू रजिस्ट्रार और जनरल रजिस्ट्रार है, तब तक मैं इन शब्दों को ना मीडिया को बात किया न किसी से मैंने बात किया। आज ये मुझे ब्रीफिंग मिल गई है कि मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया आगे डेटा वेरीफाइड करने के लिए, तब मैंने आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ को डेटा का उजागर किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी बड़ी सरकारें बनी हैं और बिगाड़ते हुए भी देखा है, ध्यान रखें महाराष्ट्र की सरकार रात को देवेंद्र फडणवीस ने आप लोगों ने देखा होगा ओथ लिया था, हम लोग ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में सारे पिटीशन फाइल करके वही सरकार गिरी थी। आपने देखा होगा कर्नाटका में भी ये हुआ था, आप लोगों ने देखा और भी भारत देश में बहुत हुआ, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि गड़बड़ी हमारे पास आज डेटा अवेलेबल है, पहले भी हमारे पास डेटा था, पर इतने 519 विधानसभा में एक एक व्यक्ति का डेटा को आपको पूरा रेक्टिफाइड करना है, छत्तीसगढ़ में 4% मार्जिन की बात करता है वो, और ऐसे ही राजस्थान में 2% की मार्जिन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, छत्तीसगढ़ में 199 विधानसभा है, सॉरी राजस्थान में छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है, इन टोटलिटीज के आधार पर वो कहते हैं कि इतने इतने परसेंट से ये जीत जाती बीजेपी। अब उन्होंने टोटल डिफरेंसेस ऑफ वोट भी दिया है, आप ऐसा मत सोचिए कि टोटल डिफरेंसेस ऑफ वोट उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने पूरा प्रॉपर पाई चार्ट दिया है और टोटल वोट भी दिया है, आप ऐसा नहीं सोच, टोटल वोट की कॉस्टिंग दिया है उसी से मैंने दिया है आपको,
मैंने अपना कुछ नहीं डेटा है, वो टोटल दे रहे कि बीजेपी टोटल इतना पाती है, कांग्रेस टोटल इतना पाती है, और टोटल मार्जिन देते हैं, वो मार्जिन बराबर बताते हैं कि इतना बराबर इतना है, इतना परसेंट बराबर 2% बराबर इतना हो गया बस। अब जितना आपने दे करके खाली हो गए, तो आपका लीड्स का भी तो गैप इक्वल होना चाहिए, आपका टोटल वोट भी तो उतने में आना चाहिए। आपने डिफरेंस दिखा दिया, ये डिफरेंस माना जाएगा बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा, उसको आप सही कर लीजिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप ये इमीडिएट इसमें वो करिए, मैंने यही बोला है। आप लोगों को मैंने आज बुलाया है, तब जब दो दिन हो गया और इतना बड़ा मैटर है देश का, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं संज्ञान ली, तब मैंने आप लोगों के माध्यम से। सीधी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो निष्पक्ष नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इस डेटा के आधार पर पक्षपातपूर्ण है, इस डेटा के आधार पर निष्पक्ष है। किसके पक्ष में अगर काम कर रहा है तो? मैंने आपसे आपके माध्यम से पार्टी मैंने आपके माध्यम से क्या बोला है, बोल दिखा तो दिया है, अब आपको मैंने बोल तो दिया है, दिखा दिया है पूरा का पूरा कि ये डेटा जो है क्या, वो डेटा किस उम्मीद लगती है आपको क्या कि न्याय मिलेगा? देखिए आ रहे हैं कम अंतर से डिफरेंसेस आया है, न्याय मिले, मैं आप लोगों के माध्यम उम्मीद लगती है? नहीं देखिए, न्याय कोर्ट में आदमी क्यों आता है, न्याय को लेकर के ही आता है, उम्मीद भी करता है, ये थोड़ी कोई सोचता है कि न्याय नहीं मिलेगा, ये हम लोग सारे लोग उम्मीद को लेकर के ही आए हैं। और ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इतने मुझे लगता है को प्रॉपर तरीके से परस्यू करेंगे, और आप लोगों की वीडियोस इतनी ज्यादा होती हैं कि उसको भी वो देखते हैं और सारी चीजों को संज्ञान भी लेते हैं। 24 का चुनाव नजदीक है, मतलब 24 तो आ ही चुका है, तो इतने बड़े गड़बड़ घोटाले के बाद तो रोक लग जानी चाहिए फिलहाल तो चुनाव पर, क्या लगता है आपको? मैं इलेक्शन कमीशन से तो पहले इसीलिए बोला था कि आप इसको रेक्टिफाइड कर लीजिए, जाँच कर लीजिए, चेक कर लीजिए, हो सकता है आपसे मिस्टेक हुई हो, तो मैंने तो उनको दिया था, अब उन्हें नहीं किया, तब रेलवे चीफ जस्टिस के पास गया, अब वहां पर ये आज का जो डेटा था मैंने आप जो आज का हुआ है वो मैंने आपको पूरी घटनाओं के बारे में बता दिया हूँ, अब आप लोग भी पूरे देश में बताएंगे इन चीजों को, पूरी मीडिया के माध्यम पूरे देश में फैलेगी ये बात, तब इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि वह भी सो रहा हो। बूथ लूट और वीवीपैट भी तो रखा है आपके पास में, दोनों से मैं कह रहा हूँ ना, जैसे बाजू में आपने वोट डाला और ये ईवीएम के मशीन आपने वोट डाला वीवीपैट में दिख गया, टोटल मान लीजिए 500 इस पोलिंग में वोट पड़ी है, वो तो आपको दिख गया टोटल वोट इतनी पड़ी, इतना इस पार्टी को मिले इतना इस पार्टी को मिल गया, और बाजू में जैसे मान लीजिए मैं वोट डाल के गया अपनी पर्ची निकली और बाजू में एक डिब्बा रखा है मैं अपनी डाल दिया वहां पर, वेरीफाइड हो गया वहीं पर, एक मिनट का काम है वो, ज्यादा से ज्यादा एक घंटे लगते हैं, पंचायत के चुनाव कैसे होते हैं ऐसे हो रहे हैं सिंपल तरीके से, आप एक घंटे में 500 वोट को गिनने में कितना टाइम लगेगा, 500 की गड्डी आपको मैं दे दूं कितना टाइम लगेगा गिनने में, ना के बराबर, पर्ची छोटी छोटी होती है आप देखते होंगे, बड़ी मिनिमम साइज की होती है, उनको गिनने में कितना टाइम लगता है, ये तो इलेक्शन कमीशन के कंसंट्रेट का मुद्दा है, यह तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है।